हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एससीएफ पर बेस्ड एक और क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 13 एंड 15 लिविंग रिमाइंडर वन इन ईच केस। यानी क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि हमें वो एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि हम 13 और 15 को उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करें तो हर कंडीशन में हमें दोनों में जो रिमाइंडर है हमारा वो वन आए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें बता दूं कि मान लो जैसे मेरे पास कोई ए नंबर है तो मैं ए को अगर 13 से डिवाइड करूं, ठीक है ना, किसी ए नंबर को मैं 13 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो है लास्ट में रिमाइंडर वन आ जाए, ठीक है ना। और इसी ए से मैं अगर 15 को डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर वन आ जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? ये ऐसा तभी हो सकता है कि अगर हम ये वन जो है जो इसके डिविडेंड में से माइनस कर दें और यही वन जो है इसके डिविडेंड में से माइनस कर दें, ठीक है ना। यानी के 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 और इधर जो है 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। तो ये जो 12 है, 12 जो है ये ए जो है ए कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा 12 को और यही ए जो है ये 14 को डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यानी कि हमें करना क्या होगा कि ये 12 और 14 इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो जो एचसीएफ हमारा आएगा वो इन दोनों नंबर्स को हम अगर डिवाइड करेंगे तो दोनों केस में हमारे पास जो है रिमाइंडर वन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको जो है इसके लिखने के स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, इसको किस तरह से आगे करना है क्वेश्चन को तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं द गिवन नंबर्स आर 13 एंड 15। द गिवन नंबर्स आर 13 एंड 15 एंड रिमाइंडर इज वन एंड रिमाइंडर रिमाइंडर इज वन। यानी के 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 एंड 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। देयरफॉर 12 एंड 14 आर डिविजिबल बाई अ ग्रेटेस्ट नंबर विच इज दी एच सी एफ ऑफ 12 एंड 14। तो इसको हम लिखेंगे, देयरफॉर 12 एंड 14 आर डिविजिबल बाई अ ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ है, लार्जेस्ट नंबर विच इज दी एच सी एफ ऑफ 12 एंड 14, ठीक है ना। वही नंबर होगा जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो 12 और 14 को जो है डिवाइड कर देगा। तो अब हम जो है 12 और 14 का इसका जो है एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे हम, 14 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 एकम 12 और यहां पे रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है ना। अभी हम फिर दोबारा से इसको करेंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो ये जो रिमाइंडर है अब हमारा डिविजर हो जाएगा और ये जो डिविजर है ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो 2 6 12 यानी कि अब हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम लिखेंगे क्योंकि लास्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट डिविजर इज इक्वल टू 2। देयरफॉर एचसीएफ
ब्रैकेट में लिख देंगे 12 एंड 14 इज इक्वल टू 2, तो लिखेंगे हम हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, इक्वल टू 2। तो यही जो है एससीएफ जो है हमारा जो है वही लार्जेस्ट नंबर होगा। इसी 2 से अगर जो हमारा ये एससीएफ 2 है, अगर मान लो हम 2 को 13 से डिवाइड करें, ठीक है ना, तो लास्ट में हमारे पास जो है रिमाइंडर 1 आएगा, और 15 को भी अगर 2 से हम करें डिवाइड तो लास्ट 2 × 7 = 14, तो लास्ट में रिमाइंडर हमारे पास 1 ही आएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास जो है रिमाइंडर 1 आएगा इससे 2 से, तो वही एक यही लार्जेस्ट नंबर है जिससे हमारा जो है रिमाइंडर 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें बोला जाए कि लिविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस या लिविंग रिमाइंडर सच एंड सच रिस्पेक्टिवली, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो डिविडेंड होता है हमारा उसमें से हम वही नंबर को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, और माइनस करने के बाद जो नंबर्स हमारे पास आते हैं उनका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो जो हमारा एचसीएफ आता है वही हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ और मैंने आपको इसके सारे स्टेप्स बताए कि किस तरह से ये क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको मेरे किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो या कोई मेरा स्टेप समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरे उसको जो है कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए ताकि मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है ना। तो वैसे तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी इसको समझा दिया है, फिर भी अगर आपको लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक ओके बाय, थैंक्स।